नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने यूएन अकाउंट में बैंक के डिटेल्स कैसे ऐड करना है, बैंक के डिटेल्स कैसे चेंज करना है, वो भी लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रू मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अगर आप भी चाहते हो अपने यूएन अकाउंट में बैंक के डिटेल्स चेंज करना है, बैंक के डिटेल्स ऐड करना है, तो कैसे करना है, यहाँ पर मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी आपको यहाँ पर पता चलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हो अपने यूएन अकाउंट में अपने बैंक के डिटेल्स ऐड करना है या बैंक के डिटेल्स आपको यहाँ पर चेंज करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ईपीएफओ के साइड में आ जाना है। अगर आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आने चाहते हो, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हो। अगर आप मोबाइल में ओपन करने चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर आपको थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, थ्री डॉट में क्लिक करना है। नीचे आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइड दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने यूएन नंबर यहाँ पर फिलअप करना है, अपने यूएन के पासवर्ड इसी तरीके से फिल करना है। नेक्स्ट आपको ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है, ये वाले कैप्चर को यहाँ पर फिलअप कर देना है। अब सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन दिखाई दे रहा है, साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके जो यूएन अकाउंट है यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लेटर दिखाई दे रहा है, लेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैनेज, मैनेज के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और थोड़ा सा बड़ा करके मैंने दिखाई दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पर केवाईसी दिखाई दे रहा है, केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। बैंक के केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर बैंक दिखाई दे रहा है, बैंक के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बड़ा करके आपको दिखाई देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर आपके बैंक डिटेल्स यहाँ पर ऐड नहीं है, न्यू बैंक अकाउंट नंबर आप यहां पर ऐड कर सकते हो। अगर आप यहां पर अपने बैंक के डिटेल्स चेंज करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहां पर अपने न्यू बैंक अकाउंट नंबर यहां पर फिलअप कर देना है। यहां पर आपने जो भी बैंक अकाउंट नंबर फिल करते हो, सेम बैंक अकाउंट नंबर आपको यहां पर फिलअप कर देना है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, अपने बैंक अकाउंट में जो भी नाम है अपने यूएन अकाउंट पर भी सेम नाम होना चाहिए, नहीं तो यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहां पर दिखाई दे रहा है बैंक आईएफएससी, तो आपको क्या करना है, आईएफएससी कोड अपने पासबुक में मिल जाएगा, नहीं तो अगर आपके पास चेक है चेक के ऊपर भी मिल जाएगा जो कि 11 डिजिट का होता है, वही आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई आईएफएससी दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक दो सेकेंड वेट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आईएफएससी वेरीफाई। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ओके दिखाई दे रहा है, ओके में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने ब्रांच के नाम दिखाई देगा, अपने बैंक के नाम दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको छोटा सा चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेफ, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेफ के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक दो सेकेंड वेट करना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके पास यहाँ पर ओटीपी नहीं आएगा, इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया, आपको क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट दिखाई दे रहा है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दोबारा एक दो सेकेंड वेट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर बैंक के डिटेल्स ऐड हो चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और हमने जो अभी बैंक के डिटेल्स ऐड किया है, अगर आप डिटेल्स में चेक करने चाहते हो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। सबसे पहले लेटेस्ट प्रोसेस में अगर आपने बैंक के डिटेल्स ऐड किया, सबसे पहले बैंक के पास जाएगा, मतलब ऑनलाइन पहले वेरीफाई होगा। नेक्स्ट आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा, जैसे आपके एम्प्लॉयर यहाँ पर ओके कर देगा उसके बाद आपके बैंक डिटेल्स यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। बैंक अकाउंट जैसे वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पर अप्रूव दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो अगर आप भी इसी तरीके से लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रू अपने बैंक की केवाईसी करने चाहते हो, इसी तरीके से बैंक की केवाईसी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अपने बैंक अकाउंट में जो भी नाम है अपने यूएन अकाउंट पर भी सेम नाम होना चाहिए, नहीं तो आपके यहाँ पर रिजेक्ट आ जाएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन बैंक केवाईसी ऐड करने के बाद अपने एम्प्लॉयर से एक बार बात कर लेना है। सपोज मान लीजिए अगर आपने 1 तारीख को अपने बैंक की केवाईसी यहाँ पर किया है, आपको क्या करना है 3-4 तारीख तक आपको क्या करना है अपने एम्प्लॉयर से एक बार बात कर लेना है, क्योंकि ऑनलाइन वेरीफाई होने में 1 से 2 दिन टाइम लगता है, उसके बाद अपने एम्प्लॉयर के पास पहुंच जाता है। आपके एम्प्लॉयर से एक बार आपको बात कर लेना है, बात करने के बाद जल्दी यहां पर आपके केवाईसी अप्रूव कर देगा। जैसे आपके यहाँ पर बैंक केवाईसी अप्रूव हो जाएगा उसके बाद अपने पीएफ का पैसे विड्रॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप भी अपने बैंक की केवाईसी करने चाहते हो, इसी तरीके से अपने बैंक की केवाईसी यहाँ पर कर लेना है, लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रू आपके बैंक केवाईसी यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा।
पहले आपकी बैंक के पास जाएगा, उसके बाद आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा, जैसे वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपके यहाँ पर अप्रूव करके दिखाई देगा, उसके बाद आप यहाँ पर अपने पीएफ का पैसे विड्रॉल कर सकते हो। दोस्तों ये था छोटा जानकारी, जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।